दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान के साथ ही सियासी उठापटक का दौर जो शुरू हुआ वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार से जल्द चुनाव कराने की भी मांग कर दी है। ये सब अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जमानत तो दे दी लेकिन कई बंदिशें भी लगा दी। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी यही मांग की है कि राज्य में महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो। उधर केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे पीआर स्टंट करार दिया है, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की घोषणा को एक दिखावा बताया है। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में अभी चल क्या रहा है। देखिए, देश की राजधानी में सियासी उठापटक की शुरुआत बीते शुक्रवार यानी कि 13 सितंबर से हुई। दरअसल आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। केजरीवाल शुक्रवार शाम को जेल से बाहर आ गए और केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद ही दिल्ली की सियासत और गर्माने लगी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने इसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की। वहीं रविवार को केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी दौरान केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक लोग यानी कि मतदाता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। केजरीवाल ने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें नए सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। इन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पद छोड़ने के ऐलान के साथ ही दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की भी मांग की है। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैं अब मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। केजरीवाल के अलावा भी कई आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राजधानी में समय से पहले चुनाव कराने की मांग की है। और सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी बेसब्री है कि वो कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो और हम आम आदमी पार्टी को वोट देकर फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जल्द चुनाव हो सकते हैं। देखिए, इस पूरे मसले को समझने के लिए हमने कई जानकारों से बात की। उनका कहना है कि पीएम मोदी का जो एक देश एक चुनाव का एजेंडा है वो मोदी 3.0 के कार्यकाल में पूरा हो सकता है। इसके लिए राज्यों के विधानसभा चुनावों के कैलेंडर को जोड़कर दुरुस्त करना होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद चुनाव आयोग विधानसभा के जल्द चुनाव कराने का निर्णय ले सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर 2019 और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव फरवरी 2020 में हुए थे, इसलिए संवैधानिक तौर पर दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है और फरवरी की शुरुआत में चुनाव होने की उम्मीद है। हालांकि केजरीवाल ने रविवार को ही मांग की कि दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ साथ नवंबर में मतदान हो। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि कानूनी तौर पर चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की शक्ति है, लेकिन पिछले मौकों पर दिल्ली में चुनाव अलग से हुए थे। चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों को एक साथ कराने का कोई कारण भी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो इसमें किसकी क्या भूमिका होगी। जानकारों की माने तो दिल्ली सरकार को चुनाव आयोग को जल्दी चुनाव की मांग करने के लिए कोई कारण बताना पड़ सकता है। संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के जानकारों ने कहा कि सरकार को चुनाव आयोग को पत्र लिखना पड़ सकता है और आयोग को जल्दी चुनाव कराने की वजह बतानी पड़ सकती है। अब चुनाव कराने से पहले चुनाव आयोग क्या क्या करता है, क्या पूरी जो प्रोसेस अब चुनाव कराने से पहले चुनाव आयोग क्या क्या करता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है। देखिए, विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराने के लिए चुनी हुई राज्य सरकार के मंत्रिमंडल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी होती है।
उसके अनुसार उपराज्यपाल विधानसभा को भंग करने और नए विधानसभा के गठन की प्रक्रिया की सिफारिश कर सकते हैं। उन सिफारिशों के अनुसार ही चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों को जल्द कराने पर अपनी मुहर लगा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग को कई पहलुओं पर विचार करना होता है। नए वोटरों को शामिल करने के साथ वोटर लिस्ट का अपडेट होना, ईवीएम की उपलब्धता, त्योहारों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की उपलब्धता और जल्द चुनाव कराने से जुड़े आर्थिक पहलुओं के आकलन के अनुसार चुनाव आयोग इस पर सहमति दे सकता है। दिल्ली में मतदाता सूची 1 जनवरी 2025 को अपडेट की जाएगी, जो उसकी क्वालिफाइंग तारीख है। जब मतदाता सूची अपडेट होती है तभी नए पंजीकृत मतदाता अपना वोट डाल पाते हैं, और जानकारों के अनुसार इसलिए चुनाव आयोग दिल्ली में तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराना पसंद कर सकता है। विधानसभा भंग नहीं की गई है, लेकिन जल्द चुनाव कराने की मांग हो रही है। क्या ऐसा संभव है, यह भी बड़ा सवाल है। देखिए, दिल्ली में जल्द चुनाव कराने के साथ ही विधानसभा भंग करने को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने इस सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। आतिशी ने कहा कि किसी भी विधानसभा का अगर 6 महीने से कम का कार्यकाल रह जाता है तो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकते हैं, इसलिए दिल्ली विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं है। इस पहलू पर जानकारों का मानना है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने त्यागपत्र देने की घोषणा तो की है, लेकिन विधानसभा को भंग करने की सिफारिश अभी तक नहीं हुई। दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए दिल्ली सरकार की सिफारिश, उपराज्यपाल की अनुशंसा और केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ चुनाव आयोग की सहमति जरूरी है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में वोटर लिस्ट के समरी रिवीजन पर चुनाव आयोग ने कई महीने पहले ही काम शुरू कर दिया है, लेकिन दिल्ली में यह प्रक्रिया पिछले महीने अगस्त से ही शुरू हुई है। इसलिए चुनावों की पूरी तैयारी के बाद ही चुनाव आयोग दिल्ली में विधानसभा चुनाव को जल्द कराने पर फैसला ले सकता है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि दिल्ली में आगे क्या होगा। देखिए, मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे। इसके बाद जब उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तब आप विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाएगा। इसके बाद विधायक दल का नेता उपराज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को अपना दावा सौंपेंगे और इसके बाद वो शपथ लेंगे। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा था कि इस प्रक्रिया में करीब 1 हफ्ते का समय लग सकता है। इन सब के बीच चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा, क्या औपचारिक तौर पर ये मांग लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के पास जाती है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी वो हमने आपको बताया, लेकिन ये जो अहम सवाल है इनके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।